शिमला जिले के रामपुर बुशहर में दिव्यांगों के स्कूल में विशेष बच्चे और उनके अभिभावक कैंडल दिए व चॉकलेट मेकिंग का कार्य घरेलू विधि से कर रहे हैं। विशेष स्कूल संचालक संस्था कोशिश एक आशा का प्रयास है कि प्रधानमंत्री के संदेश लोकल से फोकल को जन जन तक पहुंचाते हुए स्वदेशी को बढ़ावा दें। इस बार दीपावली में लोग कम लागत से तैयार स्वदेशी सामान का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकें। इसी के चलते कोशिश एक आशा दिव्यांगों के स्कूल में दिव्यांग व उनके परिजन कैंडल दिए व चॉकलेट के विभिन्न फ्लेवर घरेलू विधि से बनाने में जुटे हैं। दिव्यांश डोकरा ने बताया कि कोशिश एक आशा संस्था के विशेष बच्चों के स्कूल में आजकल आ रहे हैं। यहाँ पर कैंडल और चॉकलेट बनाना भी सीख रहे हैं। यहाँ उन्होंने कम लागत में भविष्य में अपना स्वरोजगार किस तरह चला सकते हैं सीखा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश डोगरा है। मैं कोशिश एक आशा दिव्यांग स्कूल में अभी काम कर रहा हूँ। चॉकलेट वगैरह कैंडल्स वगैरह सेक रहा हूँ आजकल। इस तरह से दिव्यांगों को भी आजकल रोजगार मिल सकता है। ज्योतिका ठाकुर ने बताया कि कोशिश एक आशा दिव्यांग स्कूल में कैंडल व दिए चॉकलेट आदि बनाने में सहायता कर रहे हैं। इससे उन्हें स्वरोजगार एवं स्वदेशी की सीख मिलेगी और भविष्य में भी अपना रोजगार चलाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मेरा नाम ज्योतिका ठाकुर है। मैं यहाँ पे कोशिश एक आशा दिव्यांग स्कूल में कैंडल्स वगैरह बनाने आती हूँ, हेल्प करने आती हूँ यहाँ पे, और साथ में चॉकलेट्स वगैरह सीखने भी आती हूँ। इससे क्या होगा, मेरा आगे के लिए रोज़गार के लिए मेरी हेल्प भी हो जाएगी, साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, और साथ में मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आना, दिव्यांग बच्चों के साथ थोड़ा बहुत समय बिताना। बीना देवी ने बताया कोशिश एक आशा में पिछले 2 सालों से जुड़ी हैं और अब वे कैंडल बनाने में माहिर हैं। मेरा नाम बीना देवी है। मैं 2 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, मोमबत्ती बनाना और कैंडल क्या बोलते हैं चॉकलेट वगैरह बनाना, और दिव्यांग स्कूल के हम हेल्प करते हैं, और इस कोशिश आशा में हम दो चार सालों से काम करते हैं, जिसे हमारे लिए हेल्प मिलती है और थोड़ा पैसा भी मिलता है हमारे लिए, और स्वाति मैम हमारे लिए बहुत हेल्प कर। दिव्यांगों के स्कूल संचालिका एवं कोशिश एक आशा की अध्यक्ष स्वाति बंशल ने बताया कि उनके यहाँ दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलता है और उसके साथ साथ दिव्यांगों के परिवार जो गरीब हैं उन्हें भी स्वयं सहायता समूह बनाकर किसी तरह रोजगार देने का प्रयास किया है। कम लागत में स्वदेशी के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने का प्रयास हो, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर भविष्य में बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकल से फोकल इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग दिवाली के लिए, हमारी संस्था है कोशिश एक आशा, उसके अंतर्गत 3 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह हमारे बने हुए हैं और उसकी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, और कुछ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें मैं खुद ही सारी ट्रेनिंग देती हूँ उनको। मोमबत्तियाँ बनानी सिखाते हैं हम लोग, और राखी पे, रक्षाबंधन पे हम राखियाँ बनाते हैं, और इस साल हमने एक और नया काम शुरू किया है, ये चॉकलेट मेकिंग का। ये अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी और फिर ये शुरू किया है, और इसमें हमारी महिलाओं को भी रोज़गार मिल रहा है और बच्चों के करने के लिए भी बहुत ही ईजी सा और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होने वाला काम है। 2-3 हज़ार रुपये से भी आप इसको शुरू कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने घर की ही ट्रे और कटोरियों में भी चॉकलेट को जमाया है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। और ये मोमबत्ती का भी काम, और इसमें वेस्टेज भी बिल्कुल जीरो वेस्टेज है, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होता, चॉकलेट में भी और मोम में भी सारा कुछ यूज़ हो जाता है। और बहुत सारे हमारे 4 स्वयं सहायता समूह चलते हैं, तो कोई 30-40 औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसमें से काफ़ी महिलाएँ हमारे साथ काम।